नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीएससी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरें। डूंगरपुर सीईओ अंजलि राजौरिया ने आज सिमलवाड़ा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने सिमलवाड़ा पंचायत समिति कार्मिक मोहन लाल रोत, जिनकी ड्यूटी डोर टू डोर में लगी थी, जिनकी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई, उनके परिवार से मिली। वह सिमलवाड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी हरिकेश मीणा व पंचायत समिति के कार्मिकों ने सीएम रिलीफ फंड के लिए जो पैसा इकट्ठा किया था 1,10,000, वो उन्हें डूंगरपुर सीईओ अंजलि राजौरिया के सानिध्य में मृतक मोहनलाल रोत के परिवार को 1,10,000 का डीडी दिया। वह आईएएस अधिकारी अंजलि राजौरिया ने मृतक के परिवार को आश्वस्त किया कि आगे भी जिस प्रकार से हम सहायता कर सकते हैं वो हम करेंगे। मृतक हमारे स्टाफ का एक कार्मिक था जो हमारे परिवार का सदस्य ही था। जिस प्रकार से हम सहायता कर सकते हैं वो हम करेंगे और परिवार के सदस्य को ढांढस बंधाया व आश्वस्त किया। साथ में सिमलवाड़ा प्रधान कारीलाल नेनमा, ग्राम विकास अधिकारी जयप्रकाश पांड्या, ईश्वरलाल, सुरेश रोत, राजकुमार उपस्थित रहे। आज हम मोहनलाल रोत जो हमारे एलडीसी थे यहाँ पर, जिनकी डोर टू डोर में कोर ग्रुप में ड्यूटी लगी हुई थी, उनकी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनकी मृत्यु हुई हमारे कार्मिक की। तो हमने ये डिसाइड किया कि सिमलवाड़ा के सभी कार्मिकों ने जो पैसा इकट्ठा किया था, जो हम सीएम कोविड रिलीफ फंड में देने वाले थे, उस पैसे को हमने इनके परिवार को दिया, क्योंकि उनके परिवार को अभी ये दिक्कत आई है और कुछ आर्थिक सहायता हो जाएगी। और हम आगे भी पूरा प्रयास करेंगे, इनका क्लेम भी भेजेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि इन्हें हर तरीके से मदद हो। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए एनबीएससी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।